हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिखी की नींव सिरों पे उठा चले। लड़ना कौम खातिर, मरना कौम खातिर, जिस कौम की शुरू से आदतें हैं, यह कौम मर जीवड़े करे पैदा, उसको लाती रंग शहादतें हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख जगत में पोष महीने के पहले 15 दिन अहम स्थान रखते हैं। यह वह दिन है जिन दिनों में अनगिनत सिखों ने कुर्बानियां दी थी। इन्हीं दिनों में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों व माता गुजरी जी की शहादत हुई थी। बड़े साहिबजादों की शहादत चमकौर की धरती पर हुई थी और छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती पर हर साल बड़े स्तर पर मनाया जाता है। हर साल सिख संगत इस पावन दिवस को 3 दिन के जोड़ मेल के रूप में मनाती है और लाखों की तादाद में संगत साहिबजादों के शहीदी स्थान को सजदा करती है। 1704 ईस्वी में सरसा नदी पर छोटे साहिबजादे व माता गुजरी जी श्री गुरु गोबिंद साहिब जी से अलग हो गए थे। जोरों की सर्दी का समय, काली हनेरी रात, बियाबान, जंगली जानवरों से अधिक दुश्मन का डर, ऐसे हालातों में 5 व 7 सालों के साहिबजादों की मनोअवस्था को अल्लाह यार खां योगी ने बहुत ही भावपूर्वक शब्दों में बयां किया है। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए। इससे आगे भी कवि ने साहिबजादों के बाल मन के शिखर की बात को ऐसे भावपूर्वक तरीके से चित्रित किया है कि हर पढ़ने सुनने वाले का मन वैराग्य से भर जाता है। जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जो झार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, मात कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले लगाकर कहेंगे वह बार बार मान जाओ, लेकिन लेकिन हम नहीं मानेंगे जीनहार, इकरार लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी, बार दिगार बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यों हमको रोलाना ना फिर कभी। माता गुजरी व साहिबजादों को रास्ते में अपना रसोईया गंगू मिला, जिससे माता गुजरी को थोड़ा बहुत हौसला तो जरूर हुआ होगा, पर उसने भी लालच में नमक हराम ही किया। वह माता गुजरी व साहिबजादों को अपने गांव सहेड़ी में ले आया और वहीं पर उसने साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। माता गुजरी व साहिबजादों को सरहंद लाया गया और जोरों की ठंड होने के बावजूद भी साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। मोती मेहरा जैसे गुरु घर के सेवक ने जान की परवाह किए बिना माता गुजरी जी व साहिबजादों को गर्म दूध पिलाने की सेवा निभाई। साहिबजादों को सुबह सरहंद की कचहरी में पेश किया गया, जहां उन्हें कई लालच दिए गए, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन साहिबजादों के हौसले बुलंद थे। सुबह सरहंद की कोई भी चाल नहीं चली। सतगुर के लाडलों ने दिया रोब से जवाब, आती नहीं शर्म है जरा तुझको ए नवाब, दुनिया के पीछे करता है क्यों दीन को खराब, किसका लिखा है जुल्म दिखा तो हमें किताब, तालीम जोर की कहीं कुरान में नहीं, खूबी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। और अंत में जालिम सूबा सरहंद ने अपने वजीर सुच्चा नंद के साथ मिलकर छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाकर शहीद करने का फैसला सुना दिया। लेकिन साहिबजादों ने जयकारे लगाते हुए सुबह सरहंद को कपकपी छेड़ दी। हाथों में हाथ डाल के दोनों वह नौ निहाल करते हुए जबां से बढ़े सत श्री अकाल, चेहरों पे गम का नाम ना था और ना था मलाल, जा ठहरे सर पे मौत के फिर भी ना था ख्याल। अंत में साहिबजादों को दीवारों में चिनवा कर शहीद कर दिया गया। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिखी की नींव हम है सरों पर उठा चले। गुरियाई का है किस्सा
यहां से बना चले, सिखों की सल्तनत का है पौधा लगा चले। इस पावन स्थान पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है। साहिबजादों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने भी प्राण त्याग दिए थे। दीवान टोडरमल ने वजीर खां को मुंह मांगी कीमत अदा करते हुए माता गुजरी जी व छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया था। इस स्थान पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब सुशोभित है। छोटे साहिबजादों की धर्म के लिए दी गई शहादत की दुनिया में कोई भी मिसाल नहीं है। इन्होंने छोटी उम्र में बड़ा साका कर दिखाया। छोटे साहिबजादों की शहादत से अपने धर्म पर कायम रहकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का सबक लेना चाहिए। अंत में हम साहिबजादों व माता गुजरी की महान शहादत को बार बार सिजदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।